गुप्त धन के लालच में महादेव की पिंडी को दरकिनार कर खोदा गड्ढा। पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। नायगांव तहसील में एक चौंकाने वाली घटना। नांदेड़ जिले के कुशनूर में महादेव मंदिर के शिवलिंग पिंड को हटाकर 2 से 3 फीट का गड्ढा खोदने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है, क्योंकि महादेव के मंदिर में गुप्त धन निकलने की ये घटना कुशनूर MIDC क्षेत्र के महादेव मंदिर में घटी। नायगांव तहसील के IPS अधिकारी अर्चित चांद की टीम ने इस घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नवभारत समाचार के लिए नांदेड़ से नरेश तिवारी की रिपोर्ट। ये कुंटूर पुलिस स्टेशन बिलोड़ी सब डिवीजन के अंदर ये जगह आती है। इधर एक 150 साल पुराना महादेव जी का मंदिर है। इधर एक ऐसी वारदात हुई थी कि कुछ लोगों ने इस आशा में कि इधर गुप्त धन रखा हुआ है ज़मीन के नीचे, काफ़ी पुराना मंदिर है ये, तो एक ऐसी खबर शायद फैली थी पहले भी, तो इधर एक इनकी आशा थी कि इनको सोना मिलेगा या ऐसे गुप्त धन मिलेगा। तो उनने कुछ आरोपियों ने 1.5 फुट लंबा गड्ढा वहाँ पे खोदा था और उस पिंड को डिस्टर्ब भी किया था। तो एक वारदात, थोड़ी बड़ी वारदात हो गई थी। तो इस वारदात के बाद हमारी पूरी कुंटूर पुलिस स्टेशन की टीम एक्शन मोड में आ गई थी। PI ने स्पॉट भी विजिट किया था, प्रॉपर हमने इन्फॉर्मेशन भी ली थी। एंड उसके बाद मैंने 2 पतक स्थापन किए थे, एक PSI दिनेश येवले के अंदर और एक API महादेव पुरी के अंदर। ऐसे 2 पतक ने ये मेरी गोपनीय माइती थी, हमारे इन्फॉर्मर्स थे जिससे हमको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसकी ये वारदात किसने करी हो सकती है। इसके बेसिस पे 24 घंटे के अंदर ही हमारी टीम सक्सेसफुल रही है। 3 आरोपियों को हमने पकड़ा है और उन आरोपियों ने इसको कबूल भी किया है कि उन्होंने ये किया था गुप्त धन के लिए। सर, ये जो आरोपी है और भी कुछ मंदिरों में कुछ खोदकाम के अध्ययन के लिए कुछ प्रयास किए हुए है क्या, ऐसे कोई ज्ञान है क्या इसके पीछे? अभी हमको इनकी पुलिस कस्टडी मिली है 3 दिन के लिए, तो उस पुलिस कस्टडी में हम ज़रूर इनको इंट्रोगेशन करेंगे कि इनने और कोई घर फोड़ी या किसी मंदिर में चोरी करने का प्रयास किया हो या ये सोच रहे थे। फिलहाल तो ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है और अभी इसकी पुलिस कस्टडी में हम आगे की जाँच, अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, गुना दाखिल हो गया है।